फेज 8 में बहुत सारे प्लाट थे, सारे बेच दिए क्योंकि इतने थे समझ नहीं आ रही थी किसमें रहे किसको बनाए। अरे भाई मेरा मेरा भतीजा प्यारा। फेज 8 में बहुत सारे प्लाट थे, सारे बेच दिए क्योंकि इतने थे समझ नहीं आ रही थी किसमें रहे किसको बनाए। अरे भाई मेरा मेरा भतीजा प्यारा। कहाँ थे तुम दोनों, तुम्हें तो देखने को आंखें तरस गई। ये सब क्या हो रहा है, मुझे क्या पता। अरे बैठो बैठो, बैठ के बात करते हैं। जी 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 बैठ। तुमने बताया नहीं असद कि तुम्हारे चचा भी आने वाले हैं। हाँ, इन्होंने असल में खुद आने से पहले नहीं बताया ना हमें। अच्छा समझ गई, चचा ने सरप्राइज दिया है। नहीं नहीं सरप्राइज नहीं दिया, इन्होंने तो शॉक दिया है। शॉक क्या मतलब? अरे कुछ नहीं आपा, ये मेरा भतीजा ना बड़ा शरारती है, हर वक्त मजाक करता रहता है। अब वैसे आपकी फैमिली कहाँ है? बताओ भाई फैमिली कहाँ है? आपसे पूछ रही है मैं। आपसे आपसे मेरी मेरी फैमिली तो किसी एक जगह होती नहीं। कभी यूपी मोड़, कभी नागिन चुरंगी, पंजाब चुरंगी, लालू खेत, वाटर पंप, हर जगह। क्या मतलब घूमते ही रहते? नहीं नहीं असल में इनके कई मकान है ना, तो कभी पहले घर में, कभी दूसरे, कभी तीसरे। अरे वाह, अच्छा अच्छा, तुम लेकर जाओ अपने चचा को ऊपर, लेकर जाओ, मैं कुछ खाने को भेजती हूँ। जी मेरा बस चले तो मैं इनको ऊपर ही ले जाऊँ। है कुछ नहीं वो खाना। हाँ हाँ मैं लाती हूँ। जी जी कमीने इंसान, क्या कर रहा है चचा तुम्हारा? ये मुझे किस मुश्किल में फंसा दिया तुम दोनों ने? अरे मुश्किल किस बात की भाई, जहाँ एक बंदा रह रहा है वहां दो रह लेंगे। अरे लेकिन क्यों, मैंने तुम्हें नहीं रखना अपने घर में, क्यों रखूं तुम्हें? बेटा ये क्यों ही फसाद की जड़ है, ये तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारी वजह से आया, तुम इसे यहां से निकालोगे, मैं इसे घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। देखो ये समझने की कोशिश कर गुलाब। हैं? गुलाब? इसका नाम गुलाब है? ये किस एंगल से गुलाब लगता है आपको? अबे गुलाब कई तरह के होते हैं, गुलाब काला भी होता है, और ये वो गुलाब है जो किसी किताब में कई साल पड़ा रहा तो ऐसा हो गया। बड़ी जुक्ते मारे हो दोनों, एक दफा मैंने जुक्ते शुरू की ना तो दोनों कानों को हाथ लगाओगे। बस जरा फैलने की कोशिश ना कर, ये बता कि तू आया क्यों यहाँ? अरे इसलिए आया हूँ राजा उस्ताद कि बड़े दिनों से ना छुट्टियों का सोच रहा था, मगर काम का लोड ही इतना है, मैंने सोचा यही अच्छा मौका आ जाओ। अरे चाहते क्या हो? कुछ भी नहीं, जब तक राजा उस्ताद यहाँ रह रहे मैं भी यही रहूंगा, आराम से खाऊंगा पीऊंगा, ऐश करूंगा, मजे होंगे। अच्छा जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान? ना 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 ना, जो समझना है समझ लो, मैं यहाँ से जाने वाला नहीं, और अगर जबरदस्ती निकालने की कोशिश की ना तो दोनों का भांडा फोड़ के जाऊंगा। संभालो इसको, चाय पिला देना। क्या क्या खाया उस्ताद? बड़े मजे आ रहा है, ऐसी ऐसी नेमतें, अल्लाह तू हैरान हो जाए, तुमने कभी ख्वाब में भी नहीं देखी होंगी। ऑर्डर देना। असद। हाँ रिता। तुम कहीं जा रहे हो? हाँ एक काम से जा रहा था। मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन दोस्त की तरफ जाने ड्रॉप कर दोगे? मैडम आप शायद कुछ भूल रही हैं। क्या भूल रहे हैं? ये दोस्तों में ये सारी फॉर्मेलिटीज नहीं होती हैं। अगर तुम अपनी दोस्त के घर जाना है तो बोलो असद मुझे अपनी दोस्त के घर जाना है, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? अच्छा वही मेरा मतलब था, मैं चेंज कर कराऊं, मुझे ड्रॉप कर दोगे? हाँ श्योर। थैंक यू। सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे याद नहीं रहा, रास्ते में रुक के मिठाई लेनी है, रुक जाओगे ना? पहली बार जा रही हूँ, बुरा लगता है खाली आ जाना। रिता वो भी ले लेंगे, जल्दी जाओ। जल्दी से आई। रिता एक काम करो, तुम यहाँ वेट करो, मैं अंदर से लेके आता हूँ मिठाई, क्योंकि बहुत रश होगा अंदर। ठीक है जल्दी आना। बाबा भूखे है बाजी, अपने बच्चों का सदका दे दे, दुआ करेगा लेकिन देंगे, अपने बच्चों का सदका दे दे भी। बाबा बहुत भूखा है, दे दे कुछ खिला दे। अरे क्या बारी हो गई, सुन नहीं रही तू? बच्चा जा, अल्लाह तेरी जल्दी शादी करा दे। ओ
अबे तेरी तो। अब रिदा चलो मिठाई आ गई, चलो 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 जल्दी करो, तुम्हारी दोस्त वेट कर रही होगी ना। चलो चलो असद हम घर चले। घर? हाँ, क्यों? चलो दोस्त घर जाना है ना। नहीं नहीं जल्दी चलो घर चलना है। रिदा घर जाके क्या करोगी, तुम्हारी दोस्त वेट कर रही है। प्लीज तुम घर चलो, मुझे जल्दी से घर जाना है। Are you sure? हाँ हाँ घर जाना है। ओके रिदा, रिदा प्लीज मुझे बताओ हुआ तो क्या है। रिदा रिदा प्लीज मेरी बात सुनो। ये कौन है? हमारी होने वाली बहू है क्या? यार आप तो चुप करें। राजा साहब कहाँ है? कोई काम है तो मुझे बता दो। मैंने आपसे पूछा कि असद के वालिद राजा साहब कहाँ हैं? वो सो रहे हैं भाई साहब, सो रहे हैं। अगर कोई काम है तो मुझे बता दें, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना है। तो यहाँ से यार हटो ना। अरे हटा तो मुआ। छापा छापा, पुलिस पुलिस पुलिस। बस रिदा क्या हो रहा है ये सब कुछ? पहले तुम अपनी दोस्त के जाते वापस आ गई और फिर ये तमाशा, क्या है ये? असद आई एम सॉरी, मुझे गलत फहमी हो गई। एक कैसी गलत फहमी? छोड़ो जाने दो, बताने वाली बात नहीं है। रिदा तुम मुझे अपना दोस्त कहती हो और फिर ऐसी बातें करती हो, मुझे परेशानी हो रही है, मुझे बताओ, मुझे फिक्र हो रही है तुम्हारी। यार मैं क्या कहूँ, मैंने बाहर एक फकीर को देख लिया था, उसकी शक्ल तुम्हारे वाले साहब से मिल रही थी, मुझे लगा कि ये। क्या? I'm sorry असद, मुझे पता है कि ये बहुत। ख्याल से मुझे चलना चाहिए। भाई जान अब क्या होगा, फंस गए। मुझे तुम दोनों से बात करनी है। जाओ भाई। ए माफ कर दो भाई, गलती हो गई हमसे। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें बाहर जाने की जरूरत क्या थी। ओ भाई हम भिखारी हैं, जब तक भीख मांग के खाना ना खाए ना हमें मजा ही नहीं आता। बिल्कुल सही कह रहा है ये भाई, भिखारी है ना, जो भीख मांग के खाने का मजा वो इज्जत की रोटी में नहीं है। ए अल्लाह सोने देना दे। नहीं भाई जी, मेरे बच्चे जी। अरे चुप करो यार, बहुत ही अजीब लोग हो तुम लोग। ओ भाई हमारी भिखारी बिरादरी में ऐसा ही होता है, तुम्हारा मेरे ख्याल में पहली दफा वास्ता पड़ा है। मैं बता रहा हूँ ये पहली और आखिरी दफा गलती थी, आइंदा नहीं होना चाहिए। भाई आइंदा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा आइंदा। लेकिन एक दरखास्त है छोटी सी। कैसी दरखास्त? हमें हफ्ते में एक बार बाहर जाने दिया करे, भीख मांगने के लिए। मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, मशीन में हाथ आ गया था भाई, ये मेरा हाथ से अलग हो गया। बस घर पे आराम से बैठो, शुरू हो जाते हैं जगह। अब ये हमारी परफॉर्मेंस का दुश्मन हो गया भाई। राजा उस्ताद मैं बता रहा हूँ, ये लड़का बड़ा मतलब परस्त है, इसका मतलब निकलेगा और ऐसी लात मारेगा कि तेरी समझ में भी नहीं आएगा क्या हुआ। राजा उस्ताद मेरी मानो तो हम अपना काम जारी रखते हैं। अब देख नहीं रहा, सख्ती से मना करके गया वो, काम कैसे जारी रख सकते हैं? ओहो भोले राजा उस्ताद, अरे ये इतना बड़ा घर है, इतना कीमती सामान, अरे काम करने के लिए बाहर नहीं जा सकते, तो घर के अंदर तो काम दिखाया जा सकता है। तुम्हारा मतलब ये हुआ कि सफाया कर दिया जाए? दे अल्लाह सोने दे नहाते।